मायर है तो ऐसा सुन तो ही जी सारा रे बदन के ये मासू बदली छोड़ी दे Oh,
बाद निका गाता है तुम्हें बार बार मैंने समझाया जो पथरीगढ़ का विकट लड़ाई था बादली का सारा बदन का मासू तुम्हें चूर करके खा जाना लेकिन नेत्र का पानी मुझे छोड़ दो से अगर कागा तू नेत्र का बिहुन कर दिया तो ये सोच ले रुदर सिंह अगर मनवा भर प्राण को नाश कर देंगे याद करो ये आगे हैं इनाम से दौड़ के लवा पार के बीले सादा और पवन सादा जी दोनों का के रोल के लिए खुश भाग्य पूरे 11 रुपए के पुरस्कार देने छे हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद बीले और पवन जी लेकिन जोड़ी ये सोच निरुदर सिंह है इसके लिए अभी पूर्वा चलता है किसी दिन पछला जो पाली आएगा ये की देवई जोड़ी है रे पथरी किनारा Thank you.
बुआ के लिखाने पे मन जाए अभी धना रे तरफ से दुनिया के जान बचाने के खातिर में दस रुपया देने से माधव जी एक तरफ से पूरे एक एक रुपये के पुरस्कार देंगे पिंटू गोपाल और माधव जी जान बचावे की खातिर धन्यवाद अंकित और सुनील हरपुर के वासी किए पूरे गांव से दस रुपया धन्यवाद जान बचले पुरस्कार दिन से जान बचावे के खातिर धन्यवाद लागे हैं रंजीत के दादी दस रुपया देने से रंजीत के दादी Yeah.
प्रधान ओकर तरफ से पूरे 25 रुपया पुरस्कार देने छे प्रस्तुति के मोहन और बलराम तारे देवी के तरफ से 5 रुपया राम सुंदर हरि से चंदका राम सुंदर और शिव सुंदर मुचारनिया 5 नंबर के 10 दोनों घर दासी ये राजू के मम्मी मुचारनिया 5 नंबर बन गेलै जीव कुमार और दीपेंद्र कुमार 5 नंबर ये तो यादव जी ऊपर तरफ से 21 रुपया दोनों का के जल में था सीता हरण दशरथ की मरण भुक्त दान जय सिया चौदह बरस राम लिखा बनवास या गए हैं रोहन के दादी और हरिया के मां पतिया ये पाते हजार रुपये हर दिया राम किशोर मंडल जी के तरफ से 11 रुपया Thank you.
सुनील कुमार वस्तुति के दे वाला छे पूरे 15 रुपया के पुरस्कार से नवाजे छे करुणा कुमारी जी ओकर तरफ से 11 रुपया और से पूजी ओकर तरफ से ओकर मैम तरफ से पूरे 11 रुपया धन्यवाद यादव सरदार के मां 5 नंबर वार्ड बस्ती पूरे 10 रुपया देने से सारे रे संसार में बोले जी बांसुरी इधर आजा नीरज आते हैं आजा सुरेल मंडल 10 नंबर सिग्मा 10 रुपये दोनों जोन साथ में चढ़ने वाला घोड़ा फिगवा दी माने नदी झरना में जाकर के महाराज हम तो धनिक भाग लियो धनिक हो गया आज तो हम 4-5 बतल यानी डीवार उधर बढ़ गया धनिक बन गया हम धनिक हो गया जूनी वानर दिया वो हम धनिक हो गया अरे हर इंसान धनिक है ऐ दिया पुता सर इधर सर ये माज भादो चल गई है ठंडका ठंडके बिजली चमके अब तो नागे अंधेरिया रात ये दोनों वर्षा में दह करके नदी झरने से नदी ठनकों में झरे जाएंगे लेकिन इस चादा को उस पथरिया कीना में भिगोरा भिगवा दे ताकि दोनों प्राणी का बीच में दीवा रूगल को अगर जो कोई नाम लेगा बोम करके अगर खाई देगा पाजी को जो कलू छावनी देगा झुकना क्यों नहीं महाराज दीवा रूगल को कोई चर्चा नहीं कर सकता है कोई नहीं करेगा चौदह कोस पथरिया कीना में घी घोड़ा पीख दे
स्त्री और पुरुष का बीच में दो बार उधर का चर्चा न होना चाहिए, नहीं होगा। फिर से एक बार बताइए, चौदह कोष के राज में देवा और रुदल के जे कोई नाम ले लेते तकरा हमर महाराज मार देते। सबसे पहले नाम तो हम ही ले छिए, हमरे ने मार दे, ते द्वारे हम डंका बजा के पूरे चौदह कोष के राज जत्ता दत्ता छे। अगर ये आवाज हमर यहाँ सबके कान तक जाते थे, प्रजावासी के जत्ते गोरे छे, सबसे हम कहे छे देवा और रुदल के नाम के भी ला लेते, पेट महाबत बच्चों नाम ला लेते तो महाराज वो बच्चा के अंडा खा लेते। समझ में आ गया? बस और कहा बस समझ दूर से तो बस में, लेकिन ये किए गुप्तचर को हर घर में भेजो, भेज देंगे महाराज। जिसकी घर में पता लग जाएगा नाम लेके फौरन खबर करो। जो आज्ञा। चलो अब यहाँ से चलिए, चलो पैसा भी घट गया, आप या स्कूल मदनपुर में मैं क्या करूं, कोनो खबर नहीं आता है मोहब्बत की, लाले कोई मिलन को पछाता है मेरा चाचा कैसा है, मेरी माँ रानी सोना या मेरा चाची रानी फोड़ा, अभी तक कोई सुनता नहीं लगाता है जो हमारा बेटा कहाँ है, जो क्या घट गया नहीं घट गया। हेलो, कान खोल करके सुन ले बेटा इंद्रजीत, भारी असगुन हो रहा है मधुपुर में तुम्हें, मैं वही चंडी हूँ जिसको सारा दुनिया पूजता है, आज तुम्हारा पिता मारा गया, वे अभी संसार में नहीं है, संसार में नहीं है बेटा, जा करके खोजो कांति।
दुर्गा में मारा गया है उसने। आज मैं पहले तथ्य मुझे अशुद्ध हो रहा है, लेकिन एक आसमान से एक आवाज आ गया जो मां भगवती भी बताती है, जो इंद्रजीत आज तुम्हें मदनपुर स्कूल में डॉक्टर रहो, तुम्हारा पिता मारा गया, तुम्हारा चाचा देवाजु हाईवे भी मारा गया। मैं चलता हूं यहां से मोहब्बत, सबसे पहले मेरी माँ के पास। सकता है मैं सबसे पहले अपनी माँ को जाकर के पूछेंगे, जो माँ हमारा चाचा और हमारा
पहले काउंट किया गया है उससे जाकर के पूछेंगे और पता लगाएंगे। आज मैं सवेरे सवेरे लाली पलंग से सूत के उठ करके मैं अपनी आंगन बुरहारने के लिए लग गई, लेकिन शुक्लदार ने कागा डक गए। बहन क्या मैं इस समय बताऊं, समय बहुत असगुण लगती है। आज सती फूला की हो ना हो कोई बात भूमा में हो गए भगवान, मैं किसकी कहूं और किससे बात करूं। इस समय खैर ठीक है, अपने महल में आकर के नित रोज नित नियम मैं सुलहो सिंहार बत्ती से उपरण कर करके महल में होकर करती हूँ तैयार। उसके बाद मैं कोई काम काज में लगती हूँ। खैर ठीक है, आज सबसे पहले सुलहो सिंहार करना है। अब बहनी गे सुना गया रबिया हमार सुलहो सिंहार बत्ती सोया बाबा।
सागर में, आज इसमें कारण क्या है? हे माँ भवानी, इतना रोज मैं सिंगार करती थी तो लाल मांग लाल ही रहती है, लेकिन आज लाल मांग में कोयला पड़ती है। आज मैं एक बार को बतलावे, हजारों बार मैं सिंगार करती हूँ तो सिंगार नहीं बनती है सती फूला की।
पगली। आज में मैं सवेरे सवेरे सुत उठ कर की मैं अपनी आंगन बोलने की लग गई दीदी, सूखा डाल में कागा डट गए सवेरे सवेरे, ये समय तो असगुण लग गई है दीदी, उससे विश्वास नहीं हुआ है तो मैं अपने सरो सिंगार बत्ती से ओभरन लगा करती, सिंदूर मैं लगाती थी, अल्लाह मांग मैया दीदी, बताते चलो। मैं समझ गई, अगर स्वामी जी न रहता कोई देश में कोई किला में युद्ध और करता स्वामी लड़ता झगड़ता तो तलवार की झमक महोबा में अवश्य आता है दीदी, लेकिन आज स्वामीनाथ नहीं जिंदा है दीदी सोना।
मेरी माँ को मरने 8 साल तक मैं पहुंच गया। जाकर के पता करती हैं जो मेरी माँ रानी फूला है या कि नहीं। या पड़े माई रानी सोना से जाकर के मुलाकात करूं। सबसे पहले मैं अपने पिता को खबर पूछेंगे जो माँ जो हमारा पिताजी कहाँ है, क्योंकि पता लगा करके मुझे कह दो तो कहाँ है वे लोग। नमस्ते हैं हमारे पार्टी की ओर से, धन्यवाद। Let's go.
राजविराज, जीसू के मामी राजविराज सिया प्रसाद, मां और बेटा के मिलान में खुश भागे, पूरे 30 रुपए का पुरस्कार देने के हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद सिया प्रसाद। बीत गई है और कौन की लाभ और लड़ते हैं कौन किला में झगड़ते हैं, लेकिन अभी तक और तुम्हारा पिता नहीं आया राज भवन, लेकिन नहीं अपनी शगुन की पोथी में देखी है कि तुम्हारा पिता का कि तुम्हारा पिता दुनिया में जिंदा नहीं है, एक ही कोख में बेटा दिया है,
न दूसरा न तीसरा है कोई। स्वामी मरा गया कोई किला में कोई देश में। अगर स्वामीनाथ जिंदा रहता तो सावन सावन तीन सावन बीत चुका है। स्वामीनाथ जिंदा रहता था बस मोबाइल लौट के आता। लेकिन दीदी सोना एक के बेटा इंद्रजीत है, ये जो अगर निकल जाएगा राज महोबा से तो मैं कैसी जिंदा रहूंगी। रानी सोना का ये बेटा बेटा और शक्ति फूला का और दूसरा दूसरा नहीं। इसलिए चलो ये बेटा का चलो ये काली मंदिर में ये भर रख लेना, कहीं मेरे बेटा भागी नहीं जाएगा। चलो लेकर चलो। नहीं माँ चलिए महाराज। इस समय बाबा इंदर इंद्रजीत की कुछ समझाने वाला नहीं है, स्वामी नहीं है। मैं बन करके मसोनाथ महोबा में कैसे मैं रहूं। एकावन किला में स्वामीनाथ और मैं झगड़ने वाला है। कोई देश के राजा सुबह नहीं उसको सहारा करने वाला। दीदी सोना अरे बोलो अब देश देश के ये छोटे यही दीदी करते यही सराइना ही तो सभी अम्मा भाई नगारिया